हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार तकड़ा वाला ब्लॉक एंड डांस मुंबई। लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। यूट्यूब फ्रेंड्स, कांदिवली मधुदास रोड पे परिवार के साथ में गया था और वहाँ पे जाने के बाद पे घर चीज़ की आइटम लेके आए हैं। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। आइए चलो चलते हैं, क्या क्या शॉपिंग किया है इधर से देखेंगे। ये गेहूं है और ये तुअर दाल है, ये तेल है, ये खाखरा मेथी का खाखरा है और ये सादा खाखरा है। हमारे गुजराती जैन लोगों में खाखरा ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये पापड़ी है, ये पापड़ी जो छोटी छोटी पापड़ी हर जगह नहीं मिलती है, इसका ऊंधिया सूरती आइटम, पापड़ी का ऊंधिया बहुत ही अच्छा बनता है। ऊंधिये में ये कंद डालते हैं, कंद की पूरी बनती है। अभी अगले वीडियो में आपने देखा होगा कंद की पूरी। ये अदरक है, अदरक चाय में भी डालते हैं, अदरक का रस शहद के साथ पीने से सर्दी कम हो जाती है। ये सोसाइटी चाय है। अच्छा, ये जो है पापड़ खाते हैं तो पापड़ का गुल्ला है, तो पापड़ ये कच्चा है तो इसको तेल डाल के खाने में, कच्चा ही खाने में बहुत मज़ा आता है। ये सूखी लहसुन की सूखी चटनी है, इसमें सींग वगैरह डाल के बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और ये गीली चटनी है लहसुन की, लेकिन तिक्खी आती है, स्पाइसी। अच्छा, ये जो है ये आपको शायद नया लगे, ये मिर्ची है, वो तेल में फ्राई करनी पड़ती है, उसमें कुछ नहीं डालने का। पूरी मिर्ची में देखिए मसाला भरा हुआ है, ये मसाला भरा हुआ है मिर्ची के अंदर। तो तेल में फ्राई करके कड़क करके खाने में इतनी टेस्टी लगती है। अगर आपने सब्जी नहीं बनाई हो, अचार नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और रोटी के साथ तो ये मिर्ची खा सकते हैं। ये है हांडवा का आटा, हांडवा बनाते हैं, गुजराती आइटम है। और ये है सूरती जीरालू। अच्छा, ये एक और है, जैसे ये मिर्ची है वैसे ये जीरालू है, वो खाखरा के साथ भी खाया जाता है, और सब्जी नहीं है घर में तो इसके साथ रोटी खाई जाती है। इसमें सूंठ, हल्दी, सब हेल्दी चीज़ें पड़ती है। अच्छा, ये मुखवास है और ये इसको गुजराती में छुंडा बोलते हैं, आम का अचार है, इसमें छुंडा लिखा है, वो स्वीट आता है, वो रोटी के साथ परोठा के साथ खाया जाता है, आम का अचार छुंडा। अभी ये बॉर्नविटा है, बच्चे लोग को इतना पसंद है, बाप रे। ये खीर है, अभी त्योहार आते हैं तो खीर ले लिया अभी बच्चे लोगों ने बोला तो। अच्छा, ये क्या है, ये चिली पाउडर है, ये चिली पाउडर भी बहुत अच्छा आता है यहाँ का। ये एक आपको नई चीज़ लगेगी, शायद आपके वहाँ मिलती है नहीं मिलती है मालूम नहीं, लेकिन ये पान इतना गुलकन वाला, ठंडा मीठा गुलकन पान लिखा है इसमें। ये फ्रीज में रखेंगे और खाना खाने के बाद एक पान खाएंगे तो आहा, आपको मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट है, एकदम माउथ फ्रेशनर जैसा है। और ये है मुखवास, बहुत ही अच्छा, इसमें ये जामनगरी, जामनगर का है जामनगरी मुखवास, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती है जो खाना हजम करती है, तो ये मुखवास बहुत ही अच्छा है। ये हरड़े पाउडर है, तो ये वात को दबा देती है हरड़े पाउडर, इसके मैंने गुण पहले भी बोले थे तो अभी नहीं बोलूँगी। ये बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी तो नहीं है लेकिन ये वात को दबाने के लिए ये अच्छा है, आयुर्वेदिक हरड़े पाउडर। और ये तो शैम्पू है बाल धोने के लिए। ये चने का आटा है, ये पौआ है। अच्छा, ये जो है हलवा सन है, ये खंभात का स्पेशल हलवा सन, ये बच्चे लोग को बहुत पसंद है, वो छोटे थे तभी से खा रहे हैं। ये हलवा सन बहुत स्वीट मिठाई है, इतनी अच्छी है, टेस्टी है। और ये जो गुड़ है, तो गेहूं का आटा और गुड़ और घी मिला के एक
गोड़ पापड़ी बनाई जाती है तो बहुत हेल्दी रहती है ये ठंडी की मौसम में। सूंठ भी डालते हैं कई लोग इसमें, तो ये गुड़ नरम बहुत ही अच्छा है। ये चाय है और ये अदरक का तो मैंने बता दिया। अभी क्या रह गया, चने का आटा आ गया, पौवा आ गया, सब आ गया। तो ये सब अच्छा अच्छा एक बहुत बड़ी चीज़ ये मैं आपको दिखाना रह गई, ये रूमा योग गोल्ड, ये जो दवाई है तो जिसको पूरा बदन बड़ी उम्र वालों के लिए है, 50 साल की ऊपर के लिए, तो रूमा योग गोल्ड इसका नाम है। और इसका प्राइस अभी बढ़ गया है, अभी इसका प्राइस 465 हो गया है। 30 गोली आती है इसमें, तो पूरा बदन दर्द करता है वात की वजह से, कुछ भी दुखता है तो दूध के साथ एक गोली अगर ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बड़े बड़े ये गोली सजेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ये हरड़े भी दिखाया, वो भी अच्छी चीज़ है आयुर्वेदिक। बस अभी सब आ गया, बच्चे लोग को बहुत मज़ा आया। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ये घर की आइटम कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल।